बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी सही। आज मैं बना रही हूँ दाल मसूर, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप दाल, 2 अदद टमाटर, 6 अदद छोटी छोटी हरी मिर्चें, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा, और 6 अदद 5 ये गोल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का। उसके अलावा मैं लूँगी तेल पकाने के लिए और बघार के लिए। अच्छा, दाल को मैंने जो है 1 गिलास पानी में 1 घंटा तक भिगो दिया था। अब मैं ये डाल दूँगी, ये 1 गिलास पानी और दाल डाल दिया है। उसके अलावा मैं 1 गिलास पानी और डालूँगी, ये 2 गिलास पानी हो गए हैं। 2 गिलास पानी में मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी जो मैंने लिया था नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों मसाले मैं डाल दूंगी। और इसको मिक्स कर लूंगी मैं और तेज़ आंच पर इसको उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। इसको इस तरह से चला लें, मिक्स कर लें तमाम मसालों को। दो कप कोई से भी ले लें आप, छोटे जो साइज़ के 2 कप होते हैं चाय के वो ले लें आप। 2 कप दाल, ये उबाल आ रहा है तेज़ आंच में, इस तरह इसको चलाऊंगी और उबाल आएगा। ये उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 टमाटर, ऐसे छोटे छोटे काट के डाल दें। अगर बड़े हैं तो चकोर चकोर पीस कर लें, अगर छोटे हैं तो हाफ हाफ करके बारीक बारीक काट लें। इसको बारीक बारीक काट के डाल दें उबाल आने पे, और साथ ही डाल दें 2 चम्मच तेल, 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया ये टमाटर के साथ ही, और बस इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। और अब मैं इसको पकने दूंगी हल्की आंच पे, ढक्कन ढक के इसको तकरीबन पकाएंगे 20 मिनट तक। बिल्कुल हल्की आंच कर दें और ढक्कन ढक दें, 20 मिनट तक इसको पका लें। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोल के पतीले को देखती हूँ, ये दाल हमारी किस तरह तक पहुँची है। ये देखें इस तरह से हो गई है, ये दाल बिल्कुल गल गई है और पानी भी इसका कम हो गया है। को चला लें, 2-4 चम्मच इसको इस तरह चलाएं तो ये मिक्स हो जाएगी। बस ये बहुत नरम मुलायम दाल होती है तो ये फौरन गल भी जाती है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी और डालूंगी। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं पकाऊंगी हल्की आंच पे बिल्कुल, जब तक ये हमारी दाल पकेगी। पानी इसका जो कच्चा है ये पकेगा, दाल भी मिक्स हो गई है, ये घुट भी गई है, इसको ज़्यादा घोटने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली दाल है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। बस इसमें मैं नमक चेक करके थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डाल दें नमक जितना आप खाते हैं, और साथ ही मैं ये डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर जो कि मैंने लिया था हाफ टी स्पून। ये बस इसी तरह दाल रहेगी, देखें ये घुट भी गई है, बिल्कुल मिक्स हो गई है, पानी इसका पक रहा है। जो हमने 1 गिलास पानी डाला था वो दोबारा से यह हल्का पकना शुरू हो गया है। जब तक मैं तैयारी करूँगी दाल के बघार की, ये हमारी एक चूल्हे पे दाल पक रही है हल्के आंच पे।
जब तक पकेगी, जब तक हमारा बघार तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लूँगी तेल, हाफ कप तेल ले लें, या अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें। ये हाफ कप के करीब तेल मैंने ले लिया है। ये हाफ कप हो गया हमारा इतना तेल, और ये अब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें बघार के लिए जो हमने लिया था ज़ीरा मिर्चें और गोल मिर्च लाल वाली, वो मैं डालूँगी। ये तेल हमारा गर्म हो रहा है, अच्छा हरी मिर्चों को जो है इस तरह से कट लगा लें, ये जो और इतनी ही छोटी छोटी हरी मिर्च लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये दरमियान से इस तरह से कट लगा लें, चाहे आर पार लगा लें चाहे अब सिर्फ़ एक साइड से लगा लें। तो मैं लगा रही हूँ दोनों तरफ से, पूरे नीचे तक लगा रही हूँ कट, ऊपर से छुरी डाल रही हूँ, नीचे तक पूरी निकल रही है। तो इस तरह से कट लगा लें आप। ये 6 हरी मिर्चें, 7 छोटी छोटी, एक बिल्कुल छोटी सी थी तो 6-7 आप हरी मिर्चें ले लें और इसको कट लगा लें इस तरह से। तेल हमारा हो गया है गरम, अब मैं ये डालूँगी इसमें ज़ीरा और गोल मिर्च लाल जो हमने ले ली थी बघार के लिए। तेल हो गया है, इसमें डाल दें इसको। ये ज़ीरा हमारा ब्राउन हो रहा है थोड़ा सा, अब मैं इसमें ये दाल भी दूसरी चूल्हे पे ये दाल पक रही है, जो पानी हमने डाला था वो पक गया है। इस तरह से इसको मिलाते रहें, साथ ही बघार हो रहा है हमारा, ये ब्राउन हो गया है हमारा ज़ीरा और मिर्चें भी हो गई हैं। इस तरह से अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें जिसमें मैंने कट लगाया था, वो भी साथ ही डाल दूँगी इसमें। ये बस हो गया, इतना हमारा ज़ीरा हो गया है, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को बस इस तरह से चालें चम्मच से और बस इतनी देर पकाएं जितनी देर इसका कलर चेंज होता है, बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखें मिर्चों का ये कलर बदल रहा है, बस कलर बदलने तक इसको पकाएं। ये हमारे हो गई हैं मिर्चों ने कलर तब्दील कर लिया है, ये हो गई है हमारी मिर्चें। अब मैं डाल रही हूँ दाल में ये बघार, साथ ही मैंने थोड़ा सा बचा लिया है जो कि मैं दाल के ऊपर से डालूँगी डिश में। अब मैं निकाल के दिखा रही हूँ दाल आपको, सर्व कर लूँगी। ये मैंने डाल दिया है ऊपर से बघार, आप चाहे पतीले में दे लें चाहे सर्विंग डिश में निकाल के फिर इस तरह से बघार डाल लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार दाल होती है, और ये साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ, एक एक चुटकी के करीब बस, ज़्यादा नहीं, बाकी हमने उसमें दाल में डाल चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा ही तीखी और बहुत ही चटपटी सी चाहिए तो आप डाल लें, वरना ये बिल्कुल सही है टेस्ट में, नमक मिर्च इसका बिल्कुल, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट दाल है और बहुत ही मज़ेदार, इसका ज़ायका बहुत अच्छा होता है और बहुत ही जल्दी कुक होने वाली होती है ये दाल, इसमें टाइम नहीं लगता है। और इसके अलावा आप इसको रोटी से तो खा ही सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे ही आप चम्मच से भी खा सकते हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताएं ये आपको पका के कि कैसी लगी है, इसका जायका कैसी लगी है ये दाल आपको, अपनी राय से आगाह करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मैं मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।